अध्यक्ष, प्रदेश के राष्ट्रीय अधिकारी, और हमारे जो सामने बैठे हैं ये भी हमारे प्रदेश के और जिलों के राष्ट्रीय अधिकारी बैठे हैं। और अपनी बात करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके जज्बात का अगर क्या है इनके अंदर ये लोग बैठे हैं इसका अंदाजा अभी नसीमुद्दीन साहब ने सीतापुर से आकर एहसास कराया कि जितने लोग बैठे हैं कितने मुखलिस हैं और क्या दर्द लिए हैं। और उस दर्द के इतने दर्द रखने वाले लोग जहां बैठे हो वो समाज वो काम कभी पीछे नहीं रह सकती। इतने हमदर्द जब लोग जहां पे हो वो काम कभी पीछे नहीं रह सकती। आज हालात बदते बदतर है, हर जगह पे हम लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, रोजगार, तालीम, तहफ्फुज कहीं पे भी बात होती है तो हम लोग को लगता है और रिपोर्टें भी कह रही हैं दलितों से बदतर हो गए। अब ये तो सब जानते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, सारे समझदार लोग कह रहे हैं, जो तो थोड़ा भी कुछ बाशऊर है वो ये कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन दलितों से बदतर होगी, हम परेशान हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, सब परेशानी है। लेकिन उनका हल क्या हो, ये सम्मेलन उनके हल क्या रास्ता है, हल यहीं से निकलेगा। क्योंकि हम अगर अपनी परेशानियां बयान करते रहेंगे तो हमारा वक्त आया हो जाएगा हमारा, और हमारा हल क्या हो उस पर हम सोच ही नहीं पाएंगे। आज हालात ये है कि कोई चीज अगर कहीं बट रही है, कहीं से कोई चीज बांटी जा रही है और हम वहां पे नहीं है तो हमको कैसे मिलेगी। इस चीज पे हम लोग को हल है, जहां पे कोई चीज बट रही है हमें पहुंचने की जरूरत है। रोजगार, तालीम, तहफ्फुज जो सरकारें बांटती हैं, जो योजनाएं बनाती हैं, जिसको देना होता है उस हिसाब से बढ़ती है योजनाएं वहां तक पहुंचती है। हाँ, योजनाएं हम तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि जहां से ये बढ़ती है वहां हम है नहीं, जहां हम है नहीं। अब कहने की बात आती है कि अरे हम तो बहुत है, हर पार्टी में हम लोग हैं, हर विधानसभाओं में हम लोग हैं, यूपी में 23 हैं। हम कहते हैं हाँ हम बहुत हैं, लेकिन हम जिस विचारधारा के तहत हम उस जगह पे बैठे हैं क्या हम वो काम कर पा रहे हैं। आज विधायक किसी एक स्टेट में जीत के आते हैं और विधानसभा में मस्जिद की तामीर करवा लेते हैं और 23 विधायक जहां बैठे हैं वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। हमें कौन से विधायक चाहिए, 8 चाहिए, 23 चाहिए, 2300 चाहिए, हल कहां से निकलेगा। आज दो विचारधारा है इलेक्शन, हम जब वहां पहुंचेंगे जहां पे योजनाएं बनती हैं हमें हमारे रोजगार, तालीम, तहफ्फुज़ और इंसाफ को बांटने की, हम वहां पहुंचेंगे, हमारी विचारधारा होगी, हम वो योजनाएं अपने लिए लागू करवा पाएंगे तो हमारे समाज तक के पहुंचेंगी तो हम दलितों से बेहतर जिंदगी गुजारने की पोजीशन में आ पाएंगे। वो होगा कैसे, भागीदारी की बात होती है, अरे फला पार्टी के टिकट तो दे दिए, फला पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही है हमको, फला पार्टी ने तो कम टिकट दिए थे, टिकट देती भागीदारी मेरी हो जानी चाहिए। सारी पार्टियां समाज को देखकर और एक पार्टी तो दे देती जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उसकी भागीदारी। जब इस तरीके से हमें भागीदारी मिल रही है तो हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे। हमारे हालात तब बदलेंगे कि जब अपनी विचारधारा के साथ, अपनी सोच के साथ उन ईमानों में बैठेंगे जहां भी ये सहूलियतें बढ़ रही है और वो योजनाएं बन रही है उसमें हम अपना भागीदारी कर पाएंगे उन योजनाओं में, तब हमारे हालात बदलेंगे। आज बात हो रही है कि 13वां सम्मेलन है, जब कारवा शुरू किया हमारे अध्यक्ष आली जनाब अकरम अंसारी साहब ने, अकेले चले थे, कारवा बढ़ता गया, आज 13वां सम्मेलन आ गया। पोजीशन ये है, हर बार हम लोग पिछले साल क्या किया, अगले साल हम क्या करेंगे, ये सम्मेलन हम लोग तय करते हैं।
अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, दो गठबंधन तैयार है, तीसरा कोई अभी वजूद में नहीं दिख रहा है। अब सबसे पहले कह दिया जाता है कि इनको हटाओ, दूसरे को लाना है, और इसी पे हम लोग वोट कर देते हैं। लेकिन एक नया काम इसमें सम्मेलन में हुआ, आज पसमांदा नाम राजनीतिक गलियारों में और चर्चा में है, जिसको देखिए एक नया पसमांदा संगठन पसमांदा के नाम से समाज में दिखाई देने लगा है। अब पसमांदा कल बयान था कि पसमांदा को कोई परेशानी नहीं है, सरकार सबका काम करेगी, सबका साथ सबका विकास करेगी, अब पसमांदा को कोई परेशानी नहीं होगी और ना हो रही है, सारी परेशानियां पसमांदा की दूर हो गई। हमें भी तय करना पड़ेगा कि हम पसमांदा हैं, लेकिन उससे पहले हम मोमिन हैं। हम पसमांदा हैं, हमारी परेशानी क्या हलाल मीट पे सर्टिफिकेट पे रोक लगाकर बढ़ेगी? नहीं, अगर हलाल सर्टिफिकेट पे उत्तर प्रदेश बैंड लग गया तो क्या हम खुश हैं? तो पसमांदा को कैसे खुशी मिल गई? क्या किया पसमांदा के लिए? हम आज पसमांदा हैं, कल पसमांदा नहीं रहेंगे। जब तो जहद कर रहे हैं अक्रम सारी था, इतने लोग शाना शाना खड़े हैं, कल पसमांदा नहीं रहेंगे, हमारी स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन मोमिन हम आज भी हैं और रोज महशर तक मोमिन रहेंगे। हमसे कहा जाता है हम पसमांदा के लिए काम करेंगे, पसमांदा बहुत सबका खराब है, बुरी स्थिति में रह रहा है, हम उसके लिए बहुत काम करेंगे। क्या काम किया गया? जो मस्जिदें तोड़ दी गई कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे उसमें, वो हमारी मस्जिदें नहीं थी, पसमांदा की नहीं थी। और मस्जिदों की बात हो रही है, क्या हम वहां नमाज नहीं पढ़ते? और पसमांदगी का स्तर, एक जो हमारा निजाम मुस्लिम कौम उम्मत मुस्लिमा उसमें 85-15 का रेशियो बता रहे हैं। वो कहते हैं सबके को तो बाहर कर दिए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, और पसमांदा में तो फिर वही पिछड़ी कौमें आती हैं मुसलमानों की। लेकिन क्या जब तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग होती है तो क्या पहलू खान की मॉब लिंचिंग नहीं होती है? पहलू खान की भी मॉब लिंचिंग हो रही है और तबरेज अंसारी की भी मॉब लिंचिंग हो रही है। इसका हल क्या होगा? इसका हल सिर्फ ये है कि हमारी जितनी तथाकथित सिक्युलर पार्टियां और गैर सिक्युलर सिक्युलर पार्टियां हैं, ये हमारे देश में हमारे रंग की काली भेड़ें बेचती हैं और हमारे बीच में इन भेड़ों से कहलवाती हैं कि अब तुम चुनाव होने जा रहा है, अब ये पार्टी तो बहुत खराब है, देखो सब एक तरफ हो गए हैं और दुश्मन हमारे एक तरफ है, तब तो कोई विकल्प नहीं है, तुम इन्हीं को वोट दे दो तो हम फ्री में वोट देने के तैयार हरगिज नहीं है। अब इस मंच से मेरा प्रस्ताव है माननीय अध्यक्ष जी कि आज प्रस्ताव पारित करें आज, क्योंकि बहुत छोटी थी 3% किसी की आबादी है किसी समाज की, वो कहता है मेरा नेता जो है एनडीए में है तो इसलिए मैं एनडीए को वोट दूंगा, और वही नेता इंडिया में चला जाता है तो वही 3% आबादी कहती है क्योंकि मेरा नेता इंडिया में है मैं इंडिया को वोट दूंगा। वो ये नहीं कहता कि इंडिया को हराना है या एनडीए को हराना है, इसीलिए हमने उन 3% लोगों को कभी नहीं देखा क्योंकि मॉब लिंचिंग हो रही। 6% की यादव आबादी है, वो कहती है मेरा नेता जहां है उनको वोट देंगे, वो इंडिया में होंगे तो भी देंगे, एनडीए में होंगे तो भी देंगे, इसीलिए उस समाज की मॉब लिंचिंग नहीं होती। बहुत छोटी सी आबादी निषाद है,
वो कहती मेरा नेता जो है यहाँ पे गठबंधन में है, मैं इसको वोट दूंगा, वो जहाँ पे भी होगा नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा, जो वहां होगा कह गए ये भी हो हरियाणा ही जीते मैं वोट उसी को दूंगा, उस समाज के लिए मॉब लिंचिंग नहीं होती। क्या वजह है कि मुस्लिम कौम की ही मॉब लिंचिंग हो रही है, खाने की मेज की तरह खाने की तरह लोग उसके ऊपर टूटे हुए हैं। जब हमें आगाह कर दिया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम वहां पर लोग टूट पड़ेंगे तो हमने तैयारी क्यों नहीं की? पिछले 70 सालों से देश आजाद हो गया, हम तालीम की बात करते हैं, 40,000 करोड़ रुपए सालाना सकात हर साल मुसलमान 365 दिन के बाद 40,000 करोड़ रुपए की जकात खर्चा करता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा तालीम पे जाता है, उसके बाद ये आज जाहिल कहा जाता है, उसका तमगा हमारे पास नहीं हट पाया। हमें जरूरत है कि हम पहुंचे उन ईमानों में अपनी आडियो के लिए आज अपने मिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान को लेके सबका साथ लेके सबका साथ करते हुए, इससे हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे और तभी हम सब कामयाब होंगे। और ये प्रस्ताव इस बार अध्यक्ष जी अगर पारित कर दिया जाए कि हमारे नेता अकरम अंसारी साहब जिस भी जगह पे होंगे हम अपने सिंबल के साथ, अपने सिंबल के साथ होना जरूरी है, एक आदमी जाएगा तो वो अगर सिंपल नहीं है कोई पार्टी नहीं है, एक आदमी बगैर पार्टी के किसी पार्टी में है तो उसकी पार्टी की शपथ लेके उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब पार्टी का पार्टी से अलायंस होगा तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, एक वायदा होगा, उस वायदे के साथ वो इलेक्शन होगा, उसके साथ होगा। इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। भागीदारी के नाम पर बना नेता है उनको जो है मेरे नेता है उनको तो बड़ा पार्टी में है वो चले गए, अरे बड़ा पार्टी के नेता हो गए अब तो, अब तुम्हारे नेता कहाँ बचे? तुम्हारे नेता तो जब बचेंगे जब तुम्हारी पार्टी से खड़े होंगे वहां पे तुम्हारे सिंबल के साथ होंगे और तुम्हारी पहचान के साथ होंगे। इसीलिए अध्यक्ष जी अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि आज हमारे नेता अकरम अंसारी साहब अपने सिंबल के साथ राष्ट्रवादी जनता पार्टी के सिंबल के साथ किसी भी NDA में हो या NDA में हो हम उनके साथ शाना वशाना खड़े होंगे, तो मेरा ये प्रस्ताव है इससे हालात बदलेंगे। अभी इंडिया हो या NDA कोई भी हमें और आपको लेने की जरूरत ही नहीं समझ रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है, आप तो यहीं जाके पलने में उसके गिर जाएंगे, आप किसको वोट देंगे? लेकिन जब आप कह देंगे पक्का इरादा कर लेंगे कि ये अकरम अंसारी, जब वो कहेंगे अकरम अंसारी मेरे पास आइए, वो कहेंगे मेरे पास आइए, तब अकरम अंसारी अपना एक प्रोग्राम रखेंगे कि हम इन शर्तों पे आ पाएंगे नहीं तो हम अलग हैं। और ये वही कह सकता है जिसके पास अपना सिंबल होगा, अपनी पार्टी होगी। और इससे दो फायदे होंगे, एक तो पार्टी का अलायंस होगा और दूसरा जो हम ठगे जाते हैं वो ठगे भी नहीं जाएंगे। अकेला आदमी था उसने पार्टी पर चला गया, उसने कहा ठीक है हम सारी मांगे मान लेते हैं आपकी, जीतने के बाद उसको बुला दिया गया तो वो क्या करेगा? लेकिन अगर पार्टी से अलायंस है तो पार्टी फॉरन गठबंधन को वहीं से तोड़ के अलग हो सकती है। इसीलिए इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुखलिफ है जुनू के साथ हैं हम, हर मेहनत कश के साथ हैं हम, और मोमिन है इंसान है। बहुत शुक्रिया अकरम भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही।